नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माइंड कोचिंग क्लासेज में अभी कुछ ही दिन में आपके सामने जो माइंड कोचिंग क्लासेज का जो ब्रांच है आगाज क्लासेज, उसका भी एक ऑनलाइन चैनल यूट्यूब पर चालू किया जा रहा है, जो एक शिक्षक भर्ती को समर्पित संस्थान है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में उस चैनल के को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं धर्मेंद्र जी चौधरी, जो अपने माइंड कोचिंग क्लासेज के निर्देशक हैं, उनके सानिध्य में जो 78 का जो स्टाफ है वो बहुत ही मेहनत से आप सभी विद्यार्थियों के हित में काम कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी भी उस जिस हिसाब से, जिस तरह से, जिस मेहनत और लगन से वो स्टाफ आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसी मेहनत और लगन से आप भी अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। और जो सुनने में आ रहा है कि राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई लास्ट में होने की संभावना है, तो आप इसको ये मान के चलें कि भाई अपने को जो टाइम मिला हुआ है एग्ज़ाम के लिए वो 1 महीने का ही टाइम है। आप अपनी तैयारी को उसी हिसाब से, उसी ढंग से तैयार करें। आपकी जो पिछली जो ऑफलाइन क्लासेज की जो तैयारी की हुई थी, वो आपका लगभग जो तैयार हुआ था, आपका एक ढांचा तैयार हुआ था, उसको अब आप ये जो धर्मेंद्र जी सर ने माइंड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए क्लास स्टार्ट की है, तो उसमें आप उससे जो आपने एक ढांचा तैयार किया था, आपने जो नींव बनाई थी, उस नींव को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का बेहतरीन तरीके से प्रयास करें। बाकी धर्मेंद्र जी सर के साथ में जो भी उनकी टीम जुड़ी हुई है, जो भी उनका स्टाफ है, वो पूरे एकदम ईमानदारी और संयम से, और आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में, जो ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जो दिया जा रहा है, आप उसका अच्छे ढंग से सदुपयोग करें। अब अपन चलते हैं आगे। अपनी जो क्लासेज थी, उस पिछली जो क्लासेज थी उसमें अपन ने जो अनुपात समानुपात वाला टॉपिक डिस्कस किया था, उसके बाद में अपन ने लास्ट में एक लिया था कि भाई अपन आगे जो क्लास होगी उसमें अपन मिश्रण से रिलेटेड जो पार्ट रहेगा उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो अब अपन उस मिश्रण से रिलेटेड जो पार्ट है उस पे अपन चलते हैं। तो जैसे अपने को कोई बर्तन दे रखा होता है, उस बर्तन में अपने को क्या दिया हुआ होता है, एक मिश्रण दिया हुआ होता है, और उस मिश्रण का क्या होता है, अपने को भाग दे रखा होता है। जैसे मान लो मैंने आपको दो केतली दी है, एक केतली है ए, दूसरी केतली अपने पास है बी। इन दोनों केतलियों में अपने पास क्या है, दूध है। दोनों केतलियों में क्या है, दूध है, लेकिन उस दूध के साथ साथ क्या मिलाया हुआ है, उसमें पानी मिलाया हुआ है। यानी ये जो अपने पास जो दो बर्तन होंगे, इन बर्तनों में जो अनुपात होगा अपने पास वो किसका होगा, दूध और पानी का अनुपात होगा। इसका अनुपात होगा दूध और पानी का। दोनों में अपने पास जो अनुपात है वो क्या रहेगा, से मतलब ए में भी अपने पास दूध और पानी का अनुपात रहेगा, बी में भी जो अनुपात है वो किसका रहेगा, दूध और पानी का अनुपात अपने पास रहेगा। अब देखो ये जो अनुपात है इसमें अपने को वो कैसे भी दे सकता है। और ये जो बर्तन है, जैसे अपने एक समझते हैं एग्जाम्पल से कि अपने घर से जो दूध वाले होते हैं वो दूध लेके जाते हैं, या अपन किसी को डेयरी फॉर्म पे जाके दूध दे के आते हैं, तो अपन छोटी केतलियों में उसको लेके जाते हैं, और वहां पे जाके वो क्या करता है, उसको अपने दूध को तोलता है, और उसके बाद में उस दूध को एक बड़े बर्तन में क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। तो अपने पास दूध और पानी का जो अनुपात था वो अलग था, वहां जाते ही उस ड्रम में अपने के अलावा और भी व्यक्तियों ने जो दूध दिया था वो उसमें मिक्स हो गया। तो वहां पर अपने पास दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं कि जैसे मान लो आपको एक अनुपात दे रखा है 7:5, एक अनुपात कितना दे दिया, 7:5। दूसरा अनुपात अपन ने वो कह रहे हैं कि दूसरा जो बर्तन है उसमें आपके पास अनुपात है 11:1, दूसरे में अनुपात कितना है, 11:1। वो कह रहा है कि इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को, ये जो छोटी छोटी आपके पास केतलियां थी, इन दोनों केतलियों को एक बड़ी केतली या बड़े बर्तन सी में डालना है, और सी में डालने पे आपके पास दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या आएगा। अब इसकी ट्रिक है वो तो एकदम सीधी सी छोटी सी ट्रिक है,
लेकिन वो ट्रिक बनी कहाँ से, अपने को बेसिक आना भी जरूरी है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर अपन उस पर ट्रिक अप्लाई करते हैं और अगर अपनी प्रैक्टिस होती है तो वो क्वेश्चन ट्रिक से बहुत कम समय में बेसिक से अपन उसको कर पाते हैं। कई बार अपने पास ट्रिक में ज़्यादा समय लगता है और बेसिक से क्या होता है, वो क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है। तो ये जो दूध और पानी का मिश्रण है, स्टार्टिंग में अपन ने किया था भाई, जैसे ही अनुपातों का अपन योगफल करते हैं तो वो योगफल कौन सा मिश्रण हो जाता है, कुल मिश्रण हो जाता है। इधर भी अपन योगफल करेंगे तो ये योगफल कौन सा मिश्रण हो गया, कुल मिश्रण अपने पास हो गया। तो इस ए केतली में भी टोटल मिश्रण 12 है और बी में भी टोटल मिश्रण कितना है, 12 है। अब वो कह रहा है कि इन मिश्रणों को क्या करना है, मिलाना है। तो जैसे ही अपन इन मिश्रणों को मिलाएंगे तो मिश्रण मिलेगा किसमें भाई, दूध में। तो क्या मिलेगा, जैसे जो समान मात्रा है तो मिलती है अपने पास भाई दूध में, ये तो है नहीं कि अपन दूसरी चीज मिला सकते। निकलेगी कब मात्रा, एक्चुअल मात्रा कब निकलेगी, जब दूध में क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। पानी में अपन के पास क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो जैसे अपने पास ये समान मात्राएं मिलेंगी तो अपने पास दूध में अगर अपन दूध मिलाते हैं और पानी में क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। जैसे अपन इनको एक साथ करेंगे तो अपने पास जो मात्रा आएगी वो कौन से बर्तन की आ जाएगी, तीसरे बर्तन की आ जाएगी। अब देखो अगर अपन दूध का भाग लेंगे तो दूध के पार्ट को मिलाना है, एक तो होता है मिलाना और दूसरा क्या होता है, निकालना। मिलाने का मतलब तो क्या करना होता है, प्लस करना होता है, और निकालने का मतलब अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो एक मिलाना हो गया और दूसरा अपने पास क्या हो गया, निकालना हो गया। तो दूध का पार्ट निकालेंगे तो ए बर्तन में जो दूध था उसको किस में जोड़ देंगे, बी बर्तन में। ए बर्तन में जो दूध था उसको किस में जोड़ेंगे अपन, बी बर्तन में। तो ए वाले में दूध का भाग है वो कितना है, 7 है, कितने में से, 12 में से। ऐसे बी बर्तन है उसमें दूध का भाग है 11 और कितने में से है, 12 में से। तो लघुत्तम जो है वो अपने पास कितना आया, 12। ये हो जाएगा 7 + 11 = 18/12। ये अपने पास किसकी मात्रा आ गई, दूध की मात्रा आ गई। अब अपन अगर पानी की मात्रा निकालेंगे तो पानी के लिए भी दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ए बर्तन में तो है 5/12 और बी बर्तन में कितना है, 1/12। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो गया 5 + 1 कितना आया, 6/12। अब देखो ये तो आया 18/12 और ये कितना आया, 6/12। दोनों अनुपातों में हर जो है वो समान है तो हर आपस में क्या हो गया, कट गया। 18 और 6 इन दोनों में किसका भाग जा रहा है अपने पास, 2 का भाग जा रहा है, इसमें जाएगा 9 बार और इसमें कितनी बार है? तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना आया, 9:3। अब इसी बेसिक से अगर अपन ट्रिक बनाए तो ट्रिक क्या बनती है, बेसिक से चलो। ये 12 था वो क्या था, इनका लघुत्तम था। ये 12 क्या था, लघुत्तम था। अपन ने ये लघुत्तम लिया नहीं है, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि दोनों का हर है वो क्या था, समान था। अगर हर समान है तो हर वाली संख्या उनका क्या हो जाती है, लघुत्तम हो जाती है। तो यही अपने पास क्या हो गया, इसमें लघुत्तम हो गया। अब लघुत्तम लेने के बाद अपन ने इस संख्या का भी इसमें भाग दिया है, तो भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। इधर इस 12 का भी कितनी बार गया, 1 बार। यानी यहाँ पर वापस ये जो 7 था वही आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 11 ही आ रहा है। ऐसे ही इधर भी 5 आ रहा है और ये भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कब, जब अपने पास ये जो एलसीएम है वो क्या था, समान था। और यहाँ एलसीएम में वही संख्या आ रही है जो इनका क्या था, योगफल था। एलसीएम में कौन सी संख्या आ रही है, जो इनका अपने पास क्या दे रखा था, योगफल दे रखा था। तो ट्रिक क्या बनती है कि अगर दिए गए मिश्रणों का योगफल समान हो, मिश्रणों का योगफल क्या होना चाहिए, समान हो, तो जो नाम है उसमें उसी नाम की दूसरे या तीसरे या चौथे बर्तन की मात्रा को
जोड़ा जाता है। यानी मिश्रणों का योगफल अगर समान दे रखा है तो जो बर्तन है उसमें जो नाम है उसी नाम की मात्रा को अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी योगफल 12 था, यहाँ पर भी योगफल कितना था, 12 था। तो अनुपात निकालेंगे तो दूध में अपन दूध को जोड़ देंगे, पानी में किसको जोड़ देंगे, पानी को। 7 और 11 कितना हो गया, 18। 5 और 1 कितना हो गया, 6। वापिस 2 का भाग देंगे तो अनुपात कितना आ गया, 9:3। तो ये अपने पास बेसिक जो ट्रिक बेसिक था उससे अपन ने ट्रिक बनाई। ये ट्रिक कितने के लिए बन गई अपने पास, दो बर्तनों के लिए। और ये दो बर्तन हैं इनमें क्या होना चाहिए, मिश्रण की मात्रा जो है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसे अगर दो से ज़्यादा बर्तन दे दें तो भी अपना जो बेसिक है वो भी सेम रहेगा। यहाँ पर अगले बर्तन की मात्रा और क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ऐसे ही इधर भी अगले बर्तन की मात्रा क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। कब, जब मिश्रण की मात्रा समान दे रखी हो। तो ट्रिक भी इसमें अपने पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे ही अगला बर्तन और होता तो उसमें 7 में 11 जुड़ता, 11 में अगले का अनुपात जुड़ जाता, और दूसरे में 5+1, और फिर तीसरे बर्तन का अनुपात है उसमें अपन क्या कर देते, जोड़ देते। तो ये तो अपने पास इस मिश्रण वाले टॉपिक जो पार्ट लिया है अपन ने, इसकी ये जो फर्स्ट लेवल है, वैसे अपनी चौथी लेवल है। चौथी लेवल में ये अपनी कौन सी लेवल हो गई, फर्स्ट लेवल हो गई। अब इसके अपन क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, बर्तन ए तथा बी में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 व 3:2 है। इन दोनों बर्तनों के मिश्रणों की समान मात्रा किसी तीसरे बर्तन सी में मिलाई जाए तो दूध तथा ऑप्शन है अगला क्वेश्चन आपके लिए है। ए तथा बी में दूध व पानी का अनुपात ऑप्शन है 3:1,
अब अपन इनका देखते हैं सॉल्यूशन। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है बर्तन ए में क्या दे रखा है, दूध और, ऐसे ही बर्तन बी में भी क्या है, दूध और पानी। अब पहले वाले बर्तन में जो दे रखा है, ए बर्तन में है 4:1 और बी में कितना है, 3:2। सबसे पहले अपने को करके देखना होगा इनका योगफल, कि भाई मिश्रणों का जो योगफल है वो अपने पास कितना हो रहा है। तो मिश्रणों का योगफल इसमें कितना हुआ, 5। इसमें भी मिश्रणों का योगफल कितना हो गया, 5। अपन ने ट्रिक क्या बनाई थी, यदि मिश्रणों का योगफल समान हो रहा है तो जो नाम आ रहा है उसी में उसी नाम की मात्रा को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो दूध है इसमें 4 भाग है, इसमें कितना है, 3 भाग है, तो कितना हो गया, 7। पानी है इसमें 1 भाग है, इसमें पानी का 2 भाग है, कितना हो गया, 3। तो दूध और पानी का अनुपात है वो अपने पास कितना हो गया, 7:3। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, बी ऑप्शन। अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें वह कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात दे रखा है और दूसरे बर्तन है उसमें भी किसका अनुपात दे रखा है, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। बर्तन ए में तो अनुपात है वो दे रखा है 5:4 और बी में कितना दे रखा है, 7:2। योगफल करेंगे 9 हुआ, इधर योगफल किया कितना हो गया, 9 हो गया। दोनों तरफ योगफल जो है वो अपने पास क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो अपन क्या कर देंगे, सीधा दूध में किसका अनुपात जुड़ जाएगा, दूध का अनुपात, और पानी में किसका अनुपात जुड़ जाएगा, पानी का। तो दूध का अनुपात हुआ 12, पानी का अनुपात कितना हुआ, 6। 12 और 6 में किसका भाग जा रहा है, 2 का, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। यानी तीसरा जो बर्तन आएगा उसमें अगर अपन इन दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिला देते हैं तो पानी का जो दूध और पानी का जो अनुपात आएगा वो अपने पास कितना हो रहा है, 2:1। अब इसी में आगे अपन चलते हुए अगली इसी से रिलेटेड अगली लेवल लेते हैं। भाई इसमें तो अपने पास जो योगफल है वो क्या था, समान था, योगफल क्या था, समान था। अब अपन अगली जो लेवल लेते हैं उसमें क्या करते हैं, योगफल है वो अपने पास क्या नहीं होगा, समान नहीं होगा। तो अगली लेवल लेते हैं, तो जैसे अपन अपने को दे रखा है एक बर्तन दे दिया अपने को ए और दूसरा दिया है अपने को बर्तन बी। ए में वो कह रहा है कि अमल और बर्तन बी में भी वो कह रहा है कि अमल और पानी। इसमें उसने अनुपात दिया है 4:2 और इसमें उसने अनुपात दे दिया 3:2। पहले बर्तन में कितना दिया है, ये तो ए बर्तन है, ये कौन सा है, बी। तो पहले वाले बर्तन में उसने अनुपात दिया है 4:5, दूसरे वाले बर्तन में उसने अनुपात दिया है 3:2। वो कह रहा है कि इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को क्या करना है, समान मात्रा में तीसरे बर्तन में मिलाना है, तो प्राप्त अनुपात है वो अपने पास क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपने को वही देखना है कि योगफल इनका क्या होता है, इनका योगफल हुआ 9, इनका योगफल कितना हुआ, 5। एक तरफ योगफल आया 9, दूसरी तरफ योगफल अपना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो यहां से अपन इसका अपन लेंगे बेसिक तरीका, बेसिक के बाद में बेसिक से बनाएंगे ट्रिक और फिर अपन एक ट्रिक और देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका बेसिक तरीका देखते हैं। बेसिक अपन ने पिछले लेवल में क्या किया था कि भाई जो नाम है उसमें उसी की मात्रा को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन अमल का भाग निकालेंगे तो ए वाला बर्तन है उसमें किसका जुड़ जाएगा, बी का अमल जुड़ जाएगा। तो ए में है 4:9, बी में है 3:5, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिर अपन लेंगे पानी का भाग, पानी में भी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5:9 प्लस 2:5, 5:9 और प्लस 2:5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इधर हुआ 45, इधर भी एलसीएम कितना हो गया, 45। 9 का भाग कितनी बार गया, 5 बार, ये हो जाएगा 5 × 4 प्लस 5 का भाग कितनी बार गया, 9 बार, 9 × 3, ये हो गया 20 + 27, 47/45। ऐसे अपन इधर देखते हैं, 9 का भाग गया 5 बार, 5 × 5 प्लस 9 × 2, तो ये हो गया 25 और प्लस 18, 25 और प्लस 18, तो ये अपने पास कितना हो गया, 43/45। तो ये अपने पास किसकी मात्रा आई, तीसरे बर्तन में अमल की मात्रा। ये अपने पास मात्रा किसकी आ गई, तीसरे बर्तन में पानी की मात्रा। अब अनुपात निकालेंगे, तो
45 से 45 कट जाएगा, अनुपात कितना हो गया 47:43। इस बेसिक से अगर अपन ट्रिक बनाए, बेसिक से क्या बनाएंगे अपन, ट्रिक बनाएंगे। तो देखो ये 47 और 43 आ रहा आंसर, आंसर से ऊपर चलेंगे, 45 से 45 कट रहा है, ये 45 क्या था इनका एलसीएम था। अब देखो ये तो कट गया अपने पास लास्ट में, अब ये जो 47 43 आ रहा है वो कैसे आ रहा है भाई, 47 कहाँ से आया, इसमें इसको क्या किया अपन ने जोड़ा, तो 5 × 4 और 9 × 3, ये वाली जो मात्रा थी वो तो ए बर्तन की थी, ये वाली मात्रा तो किसकी थी, ए बर्तन की थी, और ये वाली जो मात्रा है वो कौन से बर्तन की थी, बी की। तो ए वाली जो मात्रा है कितनी थी 4, इस ए वाली मात्रा 4 को अपन ने गुणा किया किससे, 5 से। इधर बी वाले बर्तन की मात्रा थी 3, इस 3 को किससे गुणा किया, 9 से, और फिर आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ए वाले बर्तन की जो मात्रा है वो अपने पास कितनी है 4, ये 4 कितने से गुणा हो रहा है 5 से, तो इसमें कहीं पे अपने को 5 दिख रहा है क्या, ये 5 रहा, यानी ये 4 है किससे गुणा हो रहा है इसे 5 से। फिर बी वाला जो बर्तन था 3, ये 3 किससे गुणा हुआ 9 से, यानी ये जो अपने पास 3 आ रहा है वो इधर इससे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ऐसे ये इधर इससे क्या हुआ, गुणा हुआ। फिर इधर वाले में आ जाओ, इधर वाले में अगर अपन देखते हैं तो भाई जो 5 है ये 5 कौन से में है, ए में है, ये 5 किससे गुणा हुआ 5 से, तो ये 5 किससे गुणा हो रहा है इसे 5 से, और ये 2 किससे गुणा हो रहा है इसे 9 से। तो ट्रिक क्या बनती है कि जब योगफल समान न हो, और ये ट्रिक कितने बर्तनों के लिए लागू रहेगी, 2 बर्तनों के लिए, कितने के लिए, 2 बर्तनों के लिए, यानी अपन क्या कर देंगे इनका योगफल का वज्र गुणा, योगफल का क्या कर देंगे अपन, वज्र गुणा, यानी ये 5 है वो इन दोनों अनुपातों से गुणा होगा, और ये 9 है इन दोनों अनुपातों से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी अपन पहले भी इससे पहले वाले लेवल थी उसमें क्या था, योगफल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो इसमें भी अपन योगफल को क्या करेंगे, समान करेंगे। तो वज्र गुणा करते हैं, तो 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25, इधर हो गया 27 और 18। अब योगफल दोनों तरफ क्या हो रहा है, समान हो रहा है, योगफल क्या हो गया, ये भी 45 हो रहा है और ये भी कितना हो रहा है 45। तो अपन ने पिछले लेवल में क्या किया था कि अगर योगफल समान आ जाए तो समान नाम की संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 20 और 27 47, और ये कितना हो जाएगा 43। तो अनुपात कितना हो गया अपना 47:43। अब तीसरा तरीका अपन और देख लेते हैं भाई, ये जो थे इसमें अपन ने क्या लिया था, एलसीएम लिया था, तो अपन क्या करेंगे, ये 4:5 है, ये कितना है 3:2 है, इनका योगफल हुआ 9, इनका योगफल कितना हुआ 5। भाई ट्रिक तो वहीं से बन रही है, बेसिक से बन रही है, और बेसिक में अपन ने क्या सीखा कि भाई इनको जोड़ेंगे कब, जब इनका योगफल आपस में क्या होगा, समान होगा, तभी अपन सीधा जोड़ पाएंगे। तो योगफल समान होगा तो इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आया 45, यानी 9 को 45 बढ़ाने के लिए किससे गुणा कर देंगे 5 से, और इधर गुणा कर किससे कर देंगे अपने 9 से, यानी 5 को इस दोनों से गुणा कर देंगे, इधर 9 को क्या कर देंगे दोनों से गुणा। ये वाला जो तरीका रहेगा वो अपने पास 2 से ज़्यादा बर्तनों के लिए भी लागू रहेगा, लेकिन ये जो तरीका है वो सिर्फ कितने अनुपातों के लिए लागू रहेगा, 2 के लिए। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बर्तन है ए, इस ए बर्तन में आपको दे रखा है दूध अनुपात पानी, और दूध अनुपात पानी का मान दे रखा है 4:1। दूसरा बर्तन है बी, क्वेश्चन अपन थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहे हैं, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। ए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 4:1, और बर्तन बी है इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या है, वो अपने को दे रखा है
5:2 और क्वेश्चन कह रहा है समान मात्रा में दोनों को किसी तीसरे बर्तन में मिलाया जाए। तो अनुपात क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन है 2। क्वेश्चन अपना है ए में दे रखा है दूध अनुपात पानी और इसका मान आपको दे रखा है 3:1। बी में दे रखा है दूध अनुपात पानी और इसमें अपने को अनुपात दे रखा है 4:1 और वो कह रहे समान मात्रा में किसी तीसरे बर्तन में तो प्राप्त अनुपात क्या होगा? और ऑप्शन अपने लिए हैं 29:9। अब अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक बर्तन है ए और दूसरा बर्तन है बी, 4:1 और इधर अनुपात है 5:2। अपन डायरेक्ट चलते हैं ट्रिक पे। इधर योगफल, सबसे पहले योगफल 5, इधर योगफल कितना 7। योगफल समान नहीं है तो योगफल को अपन क्या करेंगे, समान बनाएंगे। समान बनाने के लिए इनका जो योगफल आ रहा है इसको क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। ये हो गया 28 और ये कितना हो गया 7, ये हो गया 25 और ये कितना हो गया 10। अब अगर इनका योगफल देखें तो 28 और 7 कितना हो रहा है 35 हो रहा है, 25 और 10 है ये भी कितना हो रहा है 35 हो रहा है। योगफल अपने पास क्या हो गया, समान हो गया। योगफल समान होते अपन कहां चले जाएंगे वापस, इससे जस्ट पीछे वाले लेवल पे। योगफल समान होते ही अपन जो नाम है उसी में उसी की मात्रा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 28 में 25 जोड़ा, 28 में अगर अपन 25 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 53 और 7 और 10 कितना हो गया 17। आंसर कितना आया 53:17, यानी कौन सा ऑप्शन अपना सही हो रहा है, पहला ऑप्शन। ऐसे अपन दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे में अनुपात दे रखा है 3:1 और दूसरा दे रखा है 4:1। इनका योगफल कितना हुआ 4, इनका योगफल कितना हो गया 5। अपन योगफल को समान बनाएंगे तो क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। ये हो गया 15:5 और ये हो गया 16:4। अब वापिस योगफल करके देखते हैं, 15 और 5 कितना हो रहा है 20, 16 और 4 कितना हो रहा है 20। तो योगफल समान होते ही अपन समान नामों की संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके ऊपर हमेशा अपने को नाम लिख के रखने हैं, तो कई बार क्वेश्चन में वो क्या करता है नामों को चेंज कर देता है। एक में दूध पानी दे देता है, दूसरे में क्या दे देता है पानी और दूध। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि जो नाम है उसमें उसी की मात्रा को अपन ऐड करेंगे। तो 15 और 16 ये तो कितना हो जाएगा 31, 5 और 4 कितना हो गया 9। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो रहा है, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन अपना सही हो गया, सी ऑप्शन। तो इस क्लास में अपन ने डिस्कस किया है मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें अपन ने दो तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिसमें पहले जो टाइप अपन ने की है उसमें तो अपने को क्या दे रखा था कि जो भी मिश्रण दे रखा था मिश्रण की मात्रा अपने पास क्या थी, समान थी। मिश्रण की मात्रा क्या थी, समान थी। अगली जो लेवल की है उसमें अपने पास मिश्रण की मात्रा क्या नहीं थी, समान नहीं थी। तो जहां पर मिश्रण की मात्रा, सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि मिश्रण बराबर है या नहीं है, चाहे वो दो बर्तन दे रखे हो, तीन दे रखे हो या चार दे रखे हो।
अगर मिश्रण की मात्रा अपने को बराबर दे रखी है तो अपन जो भी नाम है उसमें सारे बर्तनों के उन नावों की संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि अपने को मिश्रण की संख्या बराबर नहीं दे रखी है, मिश्रण की संख्या क्या नहीं दे रखी है, बराबर नहीं दे रखी है, तो जब तक अपने पास दो अनुपात रहते हैं या दो बर्तन रहते हैं तब तो अपन उसके योगफल को क्या कर देंगे, वज्र गुणा करके बराबर कर लेंगे। जैसे अपने पास दो से ज्यादा बर्तन दे दे, तीन दे दे, चार दे दे, तो उनका जो योगफल आता है उस योगफल को अपन क्या करेंगे, उस योगफल का अपन लेंगे एलसीएम, और उस योगफल को अपन उस एलसीएम के बराबर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो जितना बनाने के लिए अपने को संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है वही संख्या उस अनुपात से भी अपन क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब अपन इसी से रिलेटेड आगे की जो दो लेवल और है वो अपन करेंगे अगली क्लास में डिस्कस। तो मैं माइंड कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप अधिक से अधिक संख्या में इन क्लासेज के साथ बने रहिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है आप उनके साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए ताकि उन सभी तक ये पहुंच सके, और वो भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो ये आपके साथ स्टाफ जुड़ा हुआ है इनके सानिध्य में रहकर एक अच्छी प्रिपरेशन कर सके। और जो अभी भी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, राजस्थान पुलिस है आपके पास, जो पटवार है, और रेलवे का एग्ज़ाम भी लगभग तैयारी में ही है, होने वाला ही है, तो आप सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें। और जो आप यहाँ पर क्लास ले रहे हैं उसके क्लास नोट्स आप बना के रखें ताकि जब भी आपको वापस पढ़ना पड़े, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, तो उस टाइम आपको ज़्यादा इधर उधर न देखना पड़े, आप अपने नोट्स से आराम से उसको रिवाइज कर सकें। धन्यवाद।